एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने कहना शुरू किया, कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है ताकि हम वास्तव में खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन सकें और अपनी इच्छा से सबसे अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकें। और क्योंकि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन के मार्ग को उन विकल्पों, विचारों और कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम चार तरीकों से कर्म करते हैं। पहला, विचारों के माध्यम से। दूसरा, शब्दों के माध्यम से। तीसरा, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं। चौथा, उन कार्यों के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या जिसके होने का हम कारण बने, वह सब कुछ कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना, सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म की यात्रा पूर्ण रूप से दोष रहित होने में नहीं, बल्कि उन कामों को ना करने के बारे में है जो हमारे और दूसरों के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही वो इंसान बनने के बारे में है जो हम असल में हैं। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं जो कि गतिमान ऊर्जाएं हैं। और जब हम अपने विचार, भावनाओं या कार्यों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, तो यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास ही लौट कर आती है। अगर यह ऊर्जा सकारात्मक थी तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और अगर नकारात्मक थी तो उसके परिणाम नकारात्मक। गुरु ने शिष्य की तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, जीवन में कर्मों के सिद्धांतों को याद रखना तुम्हें तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति ज्यादा जागरूक बना सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कर्म के 12 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद तुम जान पाओगे कि कर्म का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे पैदा कर सकते हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वह हमें वापस मिलता है, अच्छा या बुरा। साधारण शब्दों में कहें तो हम जो भी करते हैं वो अंत में लौट कर हमारे पास ही आता है, अच्छा या बुरा दोनों। ना तो हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और ना ही अपने बुरे कर्मों से, दोनों के परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत ये भी सिखाता है कि तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो पहले खुद ही उससे भर जाओ। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले खुद प्रेम से भर जाओ। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले खुद दूसरों की इज्जत करो। साधारण शब्दों में कहें तो तुम जो पाना चाहते हो पहले खुद को उसके काबिल बनाओ, वो चीज़ें खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी। कर्म का पहला सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे के नियम पर आधारित है। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन में चीज़ें अपने आप ही घटित नहीं होती, घटनाओं को घटित करवाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तुम अपने जीवन से जो भी चाहते हो, चाहे वह प्रसिद्धि हो या ढेर सारा धन, उसके लिए तुम्हें सृजन करना होता है, मेहनत करते रहना होता है। जीवन में अच्छी चीज़ें कभी अपने आप ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें अच्छा कर्म और मेहनत करनी ही पड़ती है। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए किसी चमत्कार के भरोसे बैठने से बढ़िया है कि उसके लिए उपयुक्त कर्म करते रहो। कर्म का तीसरा सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज़ की सच्चाई को स्वीकार किए बिना तुम उसे बदल नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ना चाहता है तो पहले उसे ये स्वीकार करना होगा कि वो एक शराबी है, उसे शराब पीने की लत है, तब जाकर वो इस आदत को बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार कर ही लेना चाहिए जिन्हें हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो बदल नहीं सकती, क्योंकि जो जीवन का सच है उसे नकारते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करके हम केवल अपने जीवन में और दुख व समस्याओं को ही निमंत्रण देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो ये जरूरी नहीं है, तुम सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही तुम्हारा सच्चा कर्म है, उस वक्त के लिए इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं है। और कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर लागू होता है। गुरु ने आगे कहा, कर्म का चौथा सिद्धांत कहता है कि जीवन में लगातार विकास करते रहना केवल तभी संभव है जब तक हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे ही अंदर से होती है, ना कि बाहर से। बाहर की परिस्थितियों व अन्य लोगों को बदलने का प्रयास करना
केवल और केवल मूर्खता है। इससे कुछ नहीं बदलने वाला। ये प्रयास केवल हमारे समय और ऊर्जा की बर्बादी करेगा। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन में लगातार सफलता पाने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहो, और यही जीवन में विकास से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का पांचवा सिद्धांत कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, आज तुम जहाँ पर भी हो, जीवन में जो भी चुनौतियाँ या मौके हैं, उन सब के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तुम्हारे द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय जिम्मेदार हैं, और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जब तक तुम दूसरे लोगों और बाहरी परिस्थितियों को अपने हालात का जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम उन मुसीबतों में फंसे ही रहोगे, क्योंकि ऐसा नजरिया तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजने से रोकता है। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, उसके प्रति जिम्मेदार रहो और आगे बढ़ो। कर्म का छठा सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ, जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज को कम नहीं समझ सकते। जैसे अगर आज वर्तमान में कोई विद्वान है, तो इसका मतलब है कि अपने अतीत में उसने बड़ी मेहनत से अध्ययन किया होगा, और उसके भी पहले उसके अध्ययन के लिए उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत करके धन जोड़ा होगा। इसलिए हम इसमें से किसी भी चीज को नकार नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अतीत में सीखी हुई कोई चीज आज काम आ सकती है, और आज सीखी हुई कोई चीज भविष्य में काम आ सकती है। इसलिए इंसान को जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या सीखने का, तो बेझिझक उसे करना चाहिए, क्योंकि कब का कुछ सीखा हुआ या अनुभव किया हुआ कब काम आ जाए, ये कोई नहीं बता सकता। कर्म का सातवां सिद्धांत कहता है कि एक समय पर केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। एक साथ बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना हमें धीमा कर सकता है, और निराशा व नकारात्मकता का कारण बन सकता है। इसलिए कर्म का सातवां सिद्धांत हमें एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म का आठवां सिद्धांत कहता है कि तुम इस दुनिया की बेहतरी के लिए जिन भी चीजों और बदलावों पर विश्वास करते हो और उन्हें होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले खुद ही वो चीजें करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरों के लिए शांति पैदा करने पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर तुम एक स्वच्छ देश का सपना देखते हो, तो पहले खुद ही अपने आसपास सफाई रखना शुरू करो। कर्म का नौवां सिद्धांत कहता है कि अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो अतीत के लिए पछताना छोड़ दो, भविष्य की चिंता करना बंद करो, और केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जब तक तुम अपनी अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े रहोगे, तब तक तुम कभी भी शांत और खुश नहीं रह पाओगे। कर्म का दसवां सिद्धांत कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम इससे सीखकर अपना रास्ता नहीं बदल लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करके अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो, और अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ। कर्म का ग्यारहवां सिद्धांत कहता है कि बड़े बदलाव समय लेते हैं, इसलिए जीवन में बड़ी सफलताएं लगातार प्रयास और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती हैं। अगर हम बेहतर और लंबे समय तक लाभान्वित करने वाले परिणाम चाहते हैं, तो हमें धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी हमें दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना, यही कर्म का ग्यारहवां नियम है। कर्म का बारहवां सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है, और हर इंसान के पास अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिनके द्वारा वो इस दुनिया में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए कभी भी अपने आप को व अपने काम को किसी से छोटा ना समझें, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा काम किसी की नज़रों में छोटा हो, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए वो सब कुछ हो। साधारण शब्दों में कहें तो अपना हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना, यही कर्म का बारहवां सिद्धांत है। इतना कहकर गुरु चुप हो गए। शिष्य को अब कर्म के बारे में सब समझ आ चुका था। उसने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।